भारतीय जनता पार्टी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा निकाली थी। 28 साल पहले उनकी इस रथ यात्रा ने नफरत का जो बीज बोया था उसका अंत बाबरी मस्जिद के गिराए जाने से हुआ। इसी आंदोलन ने कई नेताओं को जन्म दिया जो आज महत्वपूर्ण पदों पर हैं, लेकिन हाशिए पर चले गए खुद लाल कृष्ण आडवाणी। उन्नीस सौ नवासी में केंद्र में वीपी सिंह की सरकार को बाहर से समर्थन दे रही बीजेपी को मंडल नागवार गुजरा और उसके नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने कमंडल का दांव खेला और अटल बिहारी वाजपेयी के मना करने के बावजूद सोमनाथ से अयोध्या तक अपनी रथ यात्रा शुरू कर दी। देश भर में जगह जगह दंगे फैल गए मगर आडवाणी अपनी हट छोड़ने को तैयार नहीं थे। लेकिन जैसे ही उनका रथ बिहार की सीमा में पहुंचा, अभी मोदी सरकार में मंत्री और तब के समस्तीपुर के डीएम आर के सिंह ने उनका रथ रोक दिया। आडवाणी गिरफ्तार हो गए, बीजेपी ने समर्थन खींचा और वीपी सिंह की सरकार गिर गई। भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर के मुद्दे में सत्ता तक पहुंचने का रास्ता नजर आने लगा। उस समय लोकसभा में बीजेपी की 85 सीटें थी। 1991 में जब यूपी चुनाव में पार्टी को बहुमत मिल गया तब आडवाणी और ज्यादा आक्रामक हो गए। तब तक बीजेपी के साथ कई ऐसे लोग भी जुड़ गए थे जिनका राजनीतिक वजूद तो नहीं था मगर उन्होंने धर्म के नाम पर हिंसा भड़काने का काम किया था। ऐसे लोगों को आडवाणी ने आगे चलकर मंत्री और मुख्यमंत्री तक बनवाया। आडवाणी की मौजूदगी में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। न संविधान की परवाह, न सुप्रीम कोर्ट का ख्याल। आडवाणी के नेतृत्व में अयोध्या पहुंची कार सेवकों की भीड़ ने वहां नंगा नाच किया। इसके बाद देश के कई हिस्सों में भयंकर दंगे भड़क उठे। एक बार फिर राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने हजारों लोगों की बलि ले ली। जब बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री पद अटल बिहारी वाजपेयी के हिस्से में आया मगर आडवाणी के तेवर देखते हुए उन्हें उप प्रधानमंत्री का पद दिया गया। और जब गुजरात में दंगे हुए, वाजपेयी नरेंद्र मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहते थे मगर आडवाणी ने ऐसा नहीं होने दिया। अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई। फिर 10 साल बाद जब बीजेपी की सत्ता में वापसी की उम्मीद जगी तो आडवाणी को एक ऐसे शख्स ने किनारे कर दिया जिसे खुद उन्होंने राजनीति के गुर सिखाए थे। जिस नरेंद्र मोदी की मदद से वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे उसी नरेंद्र मोदी ने उनके सपने को चूर चूर कर दिया। 6 दिसंबर 1992 के हिंदू हृदय सम्राट लाल कृष्ण आडवाणी अब मुख्य धारा से अलग बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल में चुपचाप एक कोने में बिठाए जा चुके हैं। कभी छोटे सरदार और पीएम इन वेटिंग रहे आडवाणी आज राजनीति की वेटिंग रूम में हैं और ट्रेन का अब कोई अता पता नहीं है।